कैसा आप सब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस उपाध्याय व्लॉग्स पर। तो देखिए शाम हो चुकी है, शाम के 7:15 बज गए और भैया भी आने वाला है। तो जब तक भैया आता है उससे पहले हम जो है रेडी हो जाते हैं। ये देखिए मैंने जो है जब गांव में गई थी ये वाली कुर्ती जो वियर की थी वही वियर कर रही हूँ। मैं फटाक से जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे रेडी होने के पहले। आपको मम्मी को दिखा देती हूँ, मम्मी को देखिए, मम्मी जो है ये वाली साड़ी वियर करके जाएगी और वर्षा जो है अपना व्हाइट कलर का जो सूट है वो पहन के जाएगी। अभी वर्षा जब रेडी हो जाएगी आपको तब दिखाऊंगी, जब हम सब रेडी हो जाएंगे आपको तब मिलते हैं। देखिए तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल लुक लिया है, तो बताइएगा कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखिए वर्षा को, वर्षा ने जो वहाँ पर मंडे में गई थी तब पहना था ये ड्रेस, इसने वो वियर की है। और मम्मी ने देखिए, मम्मी ने ये वाली जो है ड्रेस साड़ी वियर की है। और पापा जी जो है पापा जी ये रहे, पापी ने तो बिल्कुल पापा तो हैंडसम बॉय लग रहे हैं बिल्कुल। और ये देखिए मेरे इयर रिंग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मम्मी तो अभी अपने बाल ही बाहर ही है, तो सब तैयार हो लग रहे हैं। रूही को देखिए, जी जी हाँ जी आ जाओ जी अंदर आ जाओ। तो देखिए रेडी सब हो चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे बैंक्वेट हॉल में। रूही की जो है नई फ्रेंड मिल गई है रूही को। रूही क्या लेके आई? ए रूही क्या लेके आई? Through the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. बस घर पर खूब इंजॉय करने के बाद, और अब टाइम बताती हूँ आपको क्या हो रहा है। 10 बज रहे हैं और हम आ गए हैं जल्दी। कोरोना के चक्कर में उन्होंने इतने गेस्ट तो नहीं बुलाए थे, बहुत ही अच्छे जो है उन्होंने इंतजाम कर रखा था। बाहर ही मैरिज होम के बाहर ही उन्होंने हैंड सैनिटाइजर रख रखा था, हाथ वॉश करो और अंदर जाओ, सैनिटाइज करो और अंदर जाओ मैरिज होम में, ऐसा बहुत ही अच्छा कर रखा था उन्होंने। ये देखे मम्मी को, मम्मी भी आ गई है। और वर्षा जो है अभी वर्षा यहाँ पर है। मैं पड़ोस में गई तो मैं भी चली जाऊँ क्या, बात है? हाँ वैसे हमारे पड़ोस में भी शादी, ठीक हमारे जस्ट बराबर में ही शादी है और वहाँ पर जो है रात के टाइम अभी गीत गा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूपी में क्या सब हमारे हिंदू रिवाज में यही है कि शादी जब होती है उससे एक हफ्ते पहले गीत शुरू हो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे सुबह के टाइम, गुड नाइट। तो सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ में हमारी जो चाय है वो भी बन चुकी है, बस अब अभी कप में डालनी है। और ये देखिए वर्षा भी जा गई है, वर्षा बैठी है फिलहाल, क्योंकि भैया अभी गया है जॉब पर तो अभी हम झाड़ू नहीं लगा सकते इसीलिए। और ये देखिए मम्मी को, हेलो, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार हो। आज हम बैठकर सीरियल देख रहे हैं और पापा जी देख इतने ध्यान से सीरियल देख रहे हैं, हमसे ज्यादा एक्साइटेड पापा जी हो रहे हैं सीरियल देखने के लिए। देखिए हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है और मम्मी को दिखाती हूँ मैं।
राम राम जी। अम्मा कपड़े, मैं तो रोंदा मम्मी फिलहाल कपड़े धो रही है और आज है मम्मी का व्रत और मैं खा रही हूँ चॉकलेट। भैया जो रात लेके आया था चॉकलेट लेके आया था, जो कॉफी बाइट आती है वो लेके आया था, बहुत ही टेस्टी कॉफी बाइट है। तीन लेके आया था बचा के, एक वर्ष ने ले ली और एक मैंने खाई और एक रुई को दी थी। वैसे रुई मम्मी सुबह से आई नहीं, रुई सुबह से आई नहीं। हाँ ये देखिए आ गई। अरे ये बोलो सुना तो सर आ गई। तो देखिए आज रूही जो है कैमरा हाथ में पकड़ रही थी। चीची कहाँ पे है? चीची दिखाइए, चीची दिखा रहे फ्रेंड्स को, चीची दिखा दे। प्रैक्टिस करो जल्दी, करो जल्दी सी, करो प्रैक्टिस, मुझे भी करो, लड्डू करो मेरे लड्डू, ऐसे नहीं लड्डू करो जल्दी। आए है ये रुई है जो पूरे लाड लड़ाती है मेरे। ये देखिए रात ये भी गई थी शादी में हमारे साथ में और इसने पता क्या किया, हम ना बाइक से उतरे ही थे और उतरते ही इसने बोला वहाँ पे ना बैंकेट हॉल के बाहर जो बलून वाले खड़े रहते हैं, उतरते ही इसने बोला कि मुझे बलून चाहिए। बलून तो उसे दुआएं नहीं थी, जो बच्चों के लिए बॉल आती है वो दुआई थी इसे। हमने कुछ कहना चाह रही है, क्या कह रही है बाबू? क्या सात घोड़ों की पेंटिंग उसकी बात कर रही है। तू ही डांस करके दिखाइयो, जल्दी डांस करियो, यहाँ पे खड़े बन नच्चो, बाला 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 पे डांस करके दिखाओ, बाला पे कैसे देख रही, कैसे देख रही, बाला 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 तो कहे मुझे शैतान का साला, बाला बाला गा, गा। वो हॉर्स है बाबू, काऊ नहीं है। ये जो काऊ को गा बोलती है वे हॉर्स है, वे हॉर्स है बाबू। बाला बाला करो, बाला पे डांस, ये गंदी हो गए है ना इसलिए बाला पे डांस करती है। ये देखिए फिर मटकने लग गई। अब मैं मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, मम्मी कपड़े धो रही है, जल्दी काम मिट जाएगा। कपड़े कंघाल दे, कपड़े कंघाल कर मेरे कपड़े जो है गिल्ले हो गए हैं, एक क्यों पौधनी सी चिल्लकती रह गए। और अब मुझे करनी है वर्षा की हेल्प, वर्षा वरना के लिए लगी हुई है। तो अब मैं आई हूँ ताऊ जी की तरफ और ये देखिए ताऊ जी के यहाँ पर जो ताऊ जी है खाट बुन रहे हैं। और ये देखिए खाट बुनने के लिए जो डोरी चाहिए वो डोरी सुलझाकर ताऊ जी जो है इसे बान बोलते हैं, तो इसे एक जगह जब बोल बनाते हैं वो करने लग रहे हैं। किट्टू हेल्प करवा रहा है ताऊ जी की, ताऊ जी भी लगे पड़े देख, उड़ जाते बैठे उड़ जा दिया। ये देखिए ताऊ जी को, ताऊ जी जो है बांध सुलझाने लग रही है और माँ जी हेल्प कर रही है, किट्टू बैठा है यहाँ पर। और देखिए ये जो गोल गोल घूमकर इस तरीके से हो जाते हैं बांध जो खाट में डलते हैं। अरे तू जा उड़ जा, क्या करके लेटेगा खाट भी छा कर लेते लोकाट। अच्छा जी ये देखिए कितने सारे लोकाट लेके आया ताऊ जी, कौन आप सबने भी खाए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया ना कि ये आपने लोकाट खाया है क्या, इनकी चटनी बन जाती है, इन्हें खा भी सकते हैं, ये खट्टे मीठे लगते हैं, छील कर खाया जाता है इन्हें। कौन किसने ले जाया माँ जी? हाँ जी Thank you.
नहीं खाऊंगी, जल्दी रो के दिखाओ, शर्मा के दिखाओ, ऐसे बहुत ही खाऊंगी, शर्मा के दिखाओ पहले, झुट्टो झुट्टो रो के भी दिखाओ, जल्दी जल्दी, मैं पहले पहले बुआ बोल, बुआ बुआ बोल, पहले बुआ बुआ बोल, मैं नहीं कह रही सब कुछ, क्या देखना है, क्या क्या रो, सो के दिखाओ पहले, झुटो झुटो हंस के दिखाओ, रो गई हो, हंस के दिखाओ अब जल्दी, मैं फोन ले रही हूँ, जल्दी जल्दी हंस के दिखाओ, और हंस के दिखाओ, पहले बुआ बोल लो, बुआ बुआ मैं नहीं दिखा रही। तो अब आई मैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, देखिए आप कितनी कैडी धूप निकल रही है, और दो कपड़े बाल्टी है, कपड़े है, और आपको पपड़ दिखाती हूँ, जो पपड़ हमने बनाए थे वो कैसे हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कैडी धूप निकल रही है, देखिए कितने अच्छे पपड़ बने हैं। अभी तेल में तलकर हम खा सकते हैं, इस टाइप से बन गए हैं, शाम के टाइम चाय के साथ में तलूंगी तब दिखाऊंगी आपको कि कैसे बने हैं कैसे नहीं। और हमने जब इन्हें साड़ी पर फैलाया था, ये देखिए हमने साड़ी पर फैला दिया था इन्हें, जब हल्के सूख गए थे और साड़ी के ऊपर साड़ी ढक दी थी, इसलिए गंदे भी नहीं हुए, सबसे खास बात ये होती कह रही थी, मैं कपड़े सुखाऊंगी। हमारा यहाँ तक ही था, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।